વિરામ પછી પુનઃ સ્વાગત છે. લખનઉ અને દિલ્હી વચ્ચે શરૂ થયેલી દેશની પહેલી પ્રાઇવેટ ટ્રેન તેજસ એક્સપ્રેસ 19 જાન્યુઆરીથી અમદાવાદ મુંબઈ રૂટ પર દોડવાની છે. એટલે આમ જોવા જઈએ તો એ અમદાવાદ મુંબઈ વચ્ચે દોડનારી આ તેજસ એક્સપ્રેસ દેશની બીજી પ્રાઇવેટ ટ્રેન બનશે. આ ટ્રેનમાં એ તમામ સુવિધા હશે જે હાલ પહેલી તેજસ એક્સપ્રેસમાં ઉપલબ્ધ છે. ટ્રેન મોડી પડવા પર કે સામાન ચોરી થવા પર બળતર મળશે. આ ઉપરાંત સુરક્ષા વ્યવસ્થાનું પણ વિશેષ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું છે. જમવામાં પણ સ્થાનીય ભોજનને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે આ પ્રાઇવેટ ટ્રેનનું સંચાલન IRCTC પોતે સંભાળશે. નવી દિલ્હી રૂટ પર તેજસ એક્સપ્રેસ કે સફળતાપૂર્વક પરિચાલન કે બાદ અબ તેજસ એક્સપ્રેસ મુંબઈ અહેમદાબાદ રૂટ પર ચલને કે લિયે તૈયાર હૈ. 17 તારીખ કો ઇસકા ઇનોગ્રેશન હોગા ઓર 19 તારીખ સે કમર્શિયલ રન શરૂ હો જાયેગી. હમારે સાથ IRCTC માર્કેટિંગ ઓર ટુરિઝમ કી ડાયરેક્ટર રજની હસીઝા મેમ હૈ, ઉનસે બાત કરેંગે. મેમ, યે દૂસરી પ્રાઇવેટ ટ્રેન હૈ લખનઉ દિલ્હી કે બાદ અહેમદાબાદ મુંબઈ શરૂ હોને જા રહા હૈ. કિતના ઉત્સાહિત હૈ IRCTC અપને દૂસરે પ્રાઇવેટ ટ્રેન કો લોન્ચ કરને મેં? કોઈ ભી જબ નયા કામ હોતા હૈ તો ઉસકો લેકે ઉત્સાહ તો બરાબર રહેતા હી હૈ. और सबसे ज़्यादा तो फीलिंग उस समय अच्छी रहती है कि जब हमने जो पहला एक्सपेरिमेंट किया अगर वो सक्सेसफुल रहे तो दूसरे में जो है उत्साह दुगना हो जाता है. तो कुछ हमारे साथ कुछ ऐसा ही है. लखनऊ में जो हम लोगों ने गाड़ी स्टार्ट करी उसका हमें काफ़ी एनकरेजिंग रिस्पॉन्स मिला. इवन ड्यूरिंग द फॉग पीरियड ऑल्सो हमारी बुकिंग जो है ठीक ठाक अच्छी खासी चल रही है. और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी जो दूसरी चलने वाली गाड़ी है जो अहमदाबाद मुंबई और अहमदाबाद के बीच में चलेगी उसमें भी हमें ठीक वैसा ही एनकरेजिंग रिस्पॉन्स मिलेगा. मैम, ये जानना चाहेंगे कि लखनऊ दिल्ली आप लोगों ने डिसाइड किया था, वो बहुत सक्सेसफुली वो चल भी रहा है. मुंबई अहमदाबाद रूट डिसाइड करने की कोई खास वजह थी या वो एक रैंडमली एक था कि इस रूट पर चलाना? देखिए, जहाँ जब हमने लखनऊ में गाड़ी स्टार्ट करी थी तो भी हमने काफ़ी ड्यू डिलीजेंस लेके स्टार्ट करी थी. हमें ऑप्शन दिया गया था, हमें मैंडेट मिला था मिनिस्ट्री से कि आप 2 जगह गाड़ियाँ चला के एक्सपेरिमेंट करिए. तो हमने कुछ ये 2 रूट उसी समय आइडेंटिफाई किए थे जिसमें हमने एक पैसेंजर का जो कोटा यूटिलाइजेशन बर्थ यूटिलाइजेशन का पूरा स्टडी किया था. उसके बाद ही हमने पाया कि इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इस रूट पर कंपटीशन ज़्यादा है बट यहाँ ऑप्शन हमारे लिए काफ़ी अवेलेबल है. और अगर हम इस रूट पर गाड़ी चलाएँगे तो हमें निश्चित रूप से हमें काफ़ी कस्टमर मिलेंगे. वो हमारी जो वाणी थी या जो भी हमारा एनालिसिस था वो बिल्कुल ठीक बैठा लखनऊ के केस में. वही एनालिसिस हमने अहमदाबाद वाले रूट में रिपीट किया और हमने देखा कि यस, हमारा जो अब हम यहाँ दोबारा एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हैं. मैम, हमने ये भी सुना था कि तेजस एक्सप्रेस जो पहले चल रही थी उसमें कंपनसेशन की व्यवस्था थी, अगर सामान चोरी हो जाता है तो उसको कंपनसेट करेंगे, ट्रेन लेट चलेगी तो उसका मुआवजा देंगे. ये सुविधाएं क्या दिल्ली मुंबई अहमदाबाद रूट पे भी मिलेगी? जी हाँ, बिल्कुल होंगी. जैसा कि पुरान जो हमारी फर्स्ट तेजस में कंपनसेशन की व्यवस्था है कि अगर गाड़ी 1 घंटे से ज़्यादा लेट हो जाती है तो 100 रुपये का क्लेम आदमी फाइल कर सकता है. ऑन फाइलिंग क्लेम पेमेंट कैन बी मेड. और 2 घंटे से ज़्यादा अगर गाड़ी लेट हो जाती है तो 250 रुपये का क्लेम मिल सकता है. और बर्गलरी इंश्योरेंस भी है और एक्सीडेंट कंपनसेशन इंश्योरेंस 25 लाख का जो है वो भी है. ये सब तरह के इंश्योरेंस जो हमारी पहली तेजस में उपलब्ध थे वो दूसरी तेजस में भी उपलब्ध रहेंगे. आप बुकिंग को लेकर दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग इस भ्रम में हैं कि ये प्राइवेट ट्रेन है तो बुकिंग में जो IRCTC के वेबसाइट से बुक कराते हैं उससे अलग होगा, या इन चीज़ों को लेकर तकनीकी तौर पर थोड़ा दर्शकों को बताएं? देखिए, इसकी बुकिंग जो है IRCTC के चैनल पर उपलब्ध है. ये बुकिंग खाली ऑनलाइन उपलब्ध है, ये बुकिंग ऑफलाइन नहीं है. ये आप IRCTC से संबंधित जितने भी हमारे एजेंट्स हैं और जितने भी हमारे B2C पार्टनर्स हैं जैसे मेक माई ट्रिप, यात्रा, एक्जिगो, पेटीएम, फ़ोनपे, इन सब के साथ हम इन्होंने जो अपनी ऐप बना रखी है उसमें भी ये बुकिंग उपलब्ध है. सो ये आप कह सकते हैं कि IRCTC की ऐप में भी उपलब्ध है ये बुकिंग और IRCTC की वेबसाइट में भी है. तो काफ़ी चैनल्स हैं जहाँ से हमारे जो यात्रीगण हैं वो इसमें बुकिंग कर सकते हैं. मैम, ट्रेन के भीतर की कुछ सुविधाओं के बारे में बताइए, क्या खास है? क्या पहले तेजस से कुछ अलग होगा या बिल्कुल वैसा होगा, या अलग होगा तो क्या? अगर मैं कहूँ व्यक्तिगत दृष्टिकोण से तो ये पहली तेजस से थोड़ी बेहतर होगी. बिकॉज हमने कुछ एक्सपेरिमेंट जो पुरानी तेजस में किए हैं तो इसमें हमें काफ़ी समय मिला तो हम इसमें कुछ सुधार कर पाए. फॉर एग्जांपल, इसमें एग्जीक्यूटिव क्लास में आप देखेंगे कि पीछे इसमें टैबलेट्स लगे हुए हैं
और जबकि पुरानी जो तेजस थी उसमें ये टैबलेट्स नहीं लगे हुए थे। इसमें इंफोटेनमेंट में भी हम कुछ और इम्प्रूवमेंट करने जा रहे हैं जिसमें कस्टमर्स को काफ़ी सुविधा रहेगी। और दूसरा खान पान का जहाँ तक सवाल है तो खान पान के लिए इसमें स्पेशल तरीके के अरेंजमेंट किए जा रहे हैं और वहाँ के लोकल क्यूजिन को ध्यान में रखते हुए किए जा रहे हैं ताकि जो है ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं एक दूसरे को खुद ही एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी बन सके और बेहतर से बेहतर सर्विस जो है वो कस्टमर को मिल सके।